गाइस अपनी खुशी में खुशी मत ढूंढो, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढो। सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। सो भाई 2024 स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और हम आज जा रहे हैं सबसे पहले बंगला साहिब, बिकॉज अभी हम हैं एक बहुत ही प्यारे वेन्यू पे। हमने सोचा पहले सुकून ले लें, उसके बाद जाएंगे हम बंगला साहिब। तो हम आपको दिखाते हैं हम किस लोकेशन पे हैं। सबसे पहले कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हमने इंजॉय तो कर लिया फुल, अपना फुल पार्टी कर ली, और अब हम जा रहे हैं बंगला साहिब। मेरा कहना है कि न्यू ईयर हो या कुछ भी हो, आपको ना साल में मैं एक ही बार जा पाता हूँ बंगला साहिब, बट कोशिश करूँगा इस साल अच्छी अच्छी जगह पे जाऊं और अच्छे अच्छे काम करूं। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत सारी चीज़ इस चैनल पे आने वाली है आप लोगों के लिए। तो पहले ये देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। मैं जाके नहा तो नहीं सकता, पर छू जरूर सकता हूँ। ट्राई करो अंदर भाई, बहुत ठंडा पानी हो रहा है भाई, मज़ा आ रहा है फुल पावर। चलो अब चलते हैं। हाँ गा रहा हूँ, रुक जाओ। जब से देखा तेरी चुके हैं बंगला साहिब। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हम लोग आए हैं बाइक से, हम ठिठर गए हैं। आप देख सकते हो पूरा पैक हो गया हूँ मैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी वाहेगुरु जी की
थोड़ी सी दया होगी और हम अच्छे से यहाँ पे बैठेंगे और जितना हो सकता है उतना सुकून लेंगे, बिकॉज मैं हर साल इसीलिए आता हूँ कि एक सुकून, एक वाइब मिलती है यहाँ से जो मैं लेना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि मतलब साल का पहला ही दिन इतना पॉजिटिव, तो कैसे उसको छोड़ सकते हैं। तो चलते हैं अंदर का दिखाता हूँ आपको सीन। कौन सी पहनूं मैं गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो यहाँ पे आके सुकून मिलता है ना वो किसी को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। आप लोग आओ, आपको पता चलेगा क्या सुकून है यहाँ। अलग ही वाइब। भाई पूजा हो रही है, पूजा देख लो यार क्या सुकून है। बहुत ही कम लोग हैं क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5, सुबह के 5 बज रहे हैं। हम सुबह सुबह आ गए आज यहाँ पे बंगला साहिब में। सो कैसा लग रहा है शेखर, हाउ डू यू फील? भाई बहुत शांति मिल रही है यहाँ पर आकर, बहुत सुकून है ना। हाँ भाई सच में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिला है हमें। हम पूरा 1 घंटा बैठे हैं और हमने पूरी लाइक हम तो पूजा बोलते हैं, मतलब पूजा ही हुई है पूरी, एक आरती हुई है बहुत सारी, मतलब जो होती है, और अब प्रसाद बटेगा और हम प्रसाद वैसे हम एक बार खा चुके हैं, झूठ नहीं बोलेंगे है ना, वो हमें एक आंटी ने दिया था, बट अभी हम प्रसाद लेंगे और उसके बाद अपना घर जाएंगे। और बाकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है या मिल रहा है ना। मतलब यहाँ पे आके ना तुम लोग स्पीचलेस हो जाओगे, तुम पे ना कुछ बोलने के लिए ना वर्ड नहीं होंगे, बिकॉज इतने ज़्यादा सुकून वाली जगह है सच में। गाइस देखो कितना प्यारा सजा हुआ है, कितना ही प्यारा, और सामने ही दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर। न्यू ईयर का प्रसाद सबसे बेस्ट, तो प्रसाद भी मिल गया। अब हम चलते हैं अपने घर, बाकी प्रसाद खा लो भाई। प्रसाद ले लिया है, प्रसाद दिखा दो भाई, प्रसाद हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं अपना घर पे। आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा मस्त, अब चल रहे अपना घर पे फुल पावर, घर पे मिलते हैं। अगर चाय वाला बीच में मिल गया तो चाय वाले के पास मिलेंगे, क्योंकि चाय पीनी है फटाफट हमें बहुत ज़्यादा। तो मिल गई गर्म गर्म चाय विद बर्बन, अब ये खाते हैं, इंजॉय करते हैं। मेरी चाय रही, शेखर की चाय रही, शेखर के भी ठंड दूर नहीं हो रही। बाकी हमारे पराठे वगैरह आ रहे हैं भाई। कितने बज गए भाई, 6:30 बज गए ना, दिखाइए एग्जैक्ट टाइम दिखा। पब्लिक सोच रही होगी हम झूठ बोल रहे हैं भाई, ये देख लो 5:48 हो रहे हैं, मतलब कि 5:50, मतलब हम 6:30 तक घर पहुंचेंगे, आराम से खाएंगे, घर पहुंचेंगे। घर यहाँ से हमारा 5 या 10 मिनट की दूरी पे है भाई। हमारे पराठे भी आ गए और हमारी ये दाल जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारी बनाते हैं भाई। बाकी अब फटाफट खाते हैं भाई, इतना टाइम नहीं बचा अब हमारे पास, अब हम फटाफट इसे खा लें पहले भाई। राम आज हो गई हमारी सच में हालत ख़राब, बट अभी हमारा फाइनल है भाई, फटाफट खाएंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे घर पे, थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद या तो मैं सोऊंगा नहीं, जाके कॉफ़ी वॉफी पीऊँगा बढ़िया से कुछ खाऊंगा और जिम चला जाऊँगा, बिकॉज उसके बाद अगर मैं सो गया ना तो मेरे 2-3 काम छूट जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फटाफट जिम चला जाऊँ, तो इसलिए मैं अभी खा रहा हूँ। और शेखर भी इसलिए खा रहा है क्योंकि शेखर मेरे साथ जिम जाएगा। सो गाइस आ गए हम घर, शूज़ वूज हमारे चेंज है, देख ही सकते हो तुम, पूरे चेंज हो के आए हैं। शेखर ने क्या पहन रखा था, क्या पहन लिया,
ये देखो सब चेंज है, ये वाले शूज मैंने परफॉर्म करे थे, पैंट चेंज नहीं है बस, बाकी ये मैंने पहन रखा था और जो इसने अंदर पहन रखा वो ही मैंने पहन रखा था और जो मैंने पहन रखा वो इसने पहन रखा। फाइनली मतलब अब हम घर आ गए भाई, और सीखा थोड़ा इधर आई इधर आ बस यूँ ही। फाइनली भाई हम घर आ गए, और बाकी अब भाई थोड़ी देर सोऊंगा या नहीं सोऊंगा वो डिसाइड करूंगा, बिकॉज मेरे को अभी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे, मेरी हालत ख़राब होने वाली है मुझे पता है, बट अभी सबसे पहले चेंज कर दें और कॉफ़ी वॉफी अभी कुछ नहीं पीनी यार, क्योंकि अभी हम चाय वाय खाना वाना खा लिया थोड़ा बहुत, सिर्फ अभी ना 5 मिनट में सोचूंगा मुझे करना क्या, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा शेड्यूल होता है आज का, बट अभी बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहे हैं हम लोग। बाय। तो गाइस मैं तो आ चुका हूँ भाई, अभी अगेन मंदिर जाना है मेरे को किसी काम से, सो के उठा और भाई डायरेक्ट देख लो कोई सेम कॉस्ट्यूम में आ गया हूँ, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने कहा यार अभी क्या जैकेट निकालूँ, एक जैकेट निकली हुई थी तो मैं उसी को पहन के आज पूरा दिन मज़े काटूंगा, और बढ़िया भी यार बहुत दिनों बाद जाके मैंने जैकेट पहनी है। बाकी अभी खुशी आ रही है क्योंकि उसके साथ मेरे को मंदिर जाना है, और उसके बाद मेरा एक नया चश्मा भी है तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मस्त चश्मा है भाई वो एकदम पार्टी वेयर चश्मा है, और उससे आज बोलूँगा। बाकी मंदिर वंदिर चलते हैं, बस वो वैसे तो बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ बैठे हुए, पर वो बोल रहे हैं 5 मिनट में आ रही, तो बस डू इट, देखते हैं कितनी देर में आते हैं, जैसे आते हैं मिलवाते हैं और चलते हैं मंदिर। भाई हम आए हैं इंडिया के, सॉरी मंदिर में, भीड़ देख लो आज कितनी हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ मंदिर के अंदर, पैर रखने की जगह नहीं आज मंदिर में। और ये लाइन देखो कहां तक जा रही है, उधर बिल्कुल एंड गेट तक जा रही है ये लाइन। खुशी हम लोग भी आए थे, हालत खराब हो जाएगी आज तो, बहुत ज्यादा भीड़ है ना, मंदिर वैसे 1 बजे बंद हो जाता है भाई, और कितने बज रहे हैं अभी, लगभग एक या एक से ज़्यादा हो रहा होगा ना। सो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, हम लाल किला आ गए हैं, लाल किले में देख लो कितनी भीड़ हो रही है भाई आज तो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, मंदिर में तो नंबर ही नहीं आने वाला भाई, मंदिर की लाइन लग रही है वो बहुत बड़ी, अभी दिखाता हूँ आपको जाके। बाकी आज हालत ख़राब है, खुशी खुशी भी आई थी मेरे साथ, तो खुशी की तो हालत ख़राब हो गई है, इतना ज़्यादा जाम हो रहा है ना, बिकॉज हम सोच रहे थे कि यार हम मंदिर आए, न्यू ईयर है, पहली तारीख है तो अच्छी पॉजिटिव लेके जाएं, बट पॉजिटिव तो हो रहे हैं मंदिर के पास ही खड़े हैं, बट इतना जाम, जैसे जाम होता है ना, जाम लग रहा है, सच का चोरी है बिल्कुल, हालत ख़राब हो रही है ना बहुत ज़्यादा, पर ठीक है मतलब एक्सपेक्ट है भाई, क्योंकि ये मंदिर बहुत बहुत जाना माना मंदिर है भाई, ये देखना शिव जी का मंदिर है ना, शिव जी किसका, गौरी शंकर का, और देखना भाई ये लाइन है वहाँ तक पूरी लाइन, उसके बाद ये देख लो, हाँ जहाँ से एंट्री है वहीं से जहाँ हमने बाइक खड़ी करी अभी, बाकी सही है माहौल तो बढ़िया हो रहा है यहाँ का, हमें लग रहा है हमें वापस जाना पड़ेगा, नहीं वापस तो नहीं जाएंगे, खैर पूजा वूजा करेंगे उसके बाद जाएंगे, अगर मंदिर आए तो मंदिर से वापस जाना तो मतलब बेकार है, लाइन में लगेंगे उसके बाद आराम से पूजा वूजा करके फिर घर जाएंगे, बिकॉज इम्पोर्टेंट है अगर मंदिर आया तो पूजा वूजा करके ही जाए, देखते क्या होगा, लेट्स सी। Thank you.
ये बहुत बढ़िया मैच चला रहे यार। गाइस अपनी खुशी में खुशी मत ढूंढो, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढो। सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। सो गाइस फाइनली हम लोग प्रसाद बांट दिया, हम लोगों ने हमने प्रसाद ले लिया है और ये देख लो राधे राधे, ये रहा हमारा प्रसाद। और भाई बहुत ज़्यादा ना मतलब प्रसाद पता क्या हो रहा है, मतलब जो बंदों को मिल रहा है ना हम कुछ बांट रहे हैं तो लाइक छीन रहे हैं लोग, हम लोगों के ना हाथ में भी लग गई। बट कोई नहीं, इन्जॉय, सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। बट हमने खूब मतलब बहुत सुकून मिला सुबह सुबह। अब घर पे जा रहे हैं, थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा काम भी चल रहा है घर पे वो भी देख रहे हैं, और थोड़ा दोस्तों से ही मिलना है। बाकी सबसे मिलूँगा मैं जाके, सबसे बारी बारी मिलूँगा और फुल एंड में फुल पावर मजे करके सो जाएंगे। तो अब चल रहे हैं घर पर। कैसा लगा, मज़ा आया? वैसे खुशी से मैं मुश्किल से मुश्किल वैसे खुशी से ही मैं 3-4 महीने बाद ही मिला हूँ, है ना? 2-3 तो हो गए होंगे यार, 2 महीने तो हो गए होंगे, मेरे ब्लॉग में देखा नहीं होगा। प्रॉपर 4 महीने हो गए, वो भी न्यू ईयर है इसलिए मिल लिया बस, क्योंकि मिल नहीं आजकल, थोड़ा शो वगैरह के चक्कर में मिल नहीं पा रहा हूँ। बाकी चलते हैं घर पे, सबको राधे राधे। ये कोई पोर्ट रखने की जगह है भाई? ये कोई पोर्ट रखने की जगह है क्या? ऐसे कौन फेंकता है, देख रहे हो? तो गाइस ये इसलिए हुआ है बिकॉज आज सब चीज़ अगेन चेंज हो गई है, देख सकते हो आप, ये सब एकदम नए नए लग चुके हैं। और इस बार मिरर बहुत प्यारा लगा है, हैप्पी न्यू ईयर, तो मिरर बहुत प्यारा लगा। अभी इसका शीशा वगैरह सब उतारेंगे। पॉट भी एकदम मस्त नया एकदम, बस सफाई वफाई करनी है। अभी ये काम चल रहा है, नीचे भी सेम चीज हुई है यहाँ पे, इधर देखो। ऐसा मन मन पड़ा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी खाना वाना खा लिया है भाई, पूजा वूजा हो गई थी, खाना वाना खा लिया है। अब करना है दोस्तों से चिल, दोस्तों के पास जाएंगे थोड़ा चिल करेंगे। गौरव तो ऑफिस गया आज, गौरव की छुट्टी नहीं है ना, गौरव की कल छुट्टी थी पता नहीं क्यों भाई, उसके तो ऑफिस वालों ने उसकी फिल्म बना रखी है।